विमेन इन टेक इंडिया की अध्यक्ष राधिका अयंगर ने एक शो में कहा था, हर महिला के जीवन पर चुनी हुई सरकार का प्रभाव पड़ता है। हर नागरिक के लिए आम चुनाव एक बड़ा अवसर है कि अपने लिए वो चुने जो जीवन में बदलाव लाए। बदलाव तब आएगा जब आप शिकायतें छोड़कर मतदान की पहल करेंगे। ये ना सोचे कि आप क्या कर सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन है जो आपका विकास कर सकता है। आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ महिलाएं भी अलग अलग फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। यही वजह है कि चुनाव में मतदान को लेकर भी महिलाओं की हिस्सेदारी आजकल पुरुषों से ज्यादा हो गई है। क्या आपको पता है, साल 2009 में 55% महिलाएं ही घर से निकलकर वोट डालने जाती थी, लेकिन 10 साल बाद इसमें गहरा बदलाव देखने को मिला है। साल 2019 में ये पाया गया कि अब 65% से ज्यादा महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़कर पोलिंग बूथ जाती हैं और वोट डालती हैं। इसके बाद साल 2023 में एसबीआई ने एक और सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि साल 2019 तक महिलाएं वोट डालने के मामले में पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक इस साल होने वाले 2024 के इलेक्शन में 68 करोड़ जनता के वोट करने की उम्मीद है, जिसमें से 33 करोड़ तो महिलाएं ही हैं, which means 49% of the total voters are women, and by the time 2047 comes, that ratio could be 55-45. 1952 से लेके 2014 तक के लोकसभा चुनाव में वोट डालने में महिलाएं हमेशा पुरुषों से पीछे रही हैं, लेकिन साल 2014 के बाद से महिलाओं के अंदर एक अलग सी तेजी देखने को मिली, और साल 2019 आते आते आम चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। हर क्षेत्र में घर की चार दीवारी से निकलकर जोरदार उपस्थिति दर्ज करा रही महिलाओं को मताधिकार मिलने के बाद पुरुषों को पीछे छोड़ने में 67 इयर्स का वक्त लगा है। क्या आप ये भी जानते हैं कि महिलाओं ने सर्वाधिक वोटिंग का अब तक का रिकॉर्ड भी कायम किया है? 2019 में पहली बार उनकी भागीदारी 60% से भी आगे निकल गई थी। इस बार भी माना जा रहा है कि मताधिकार के इस्तेमाल में महिला मतदाता पुरुषों से आगे रहेंगी। अभी कुछ सालों से महिलाओं के अंदर ये जागरूकता या यूं कहें कि एक बदलाव का फिनोमेना देखने को मिला है। पिछले 5 सालों में लगभग 23 जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया की गई, जिसमें पाया गया कि 23 में से 18 स्टेट्स में वोटर महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा थी, और यही वजह है कि उन 18 क्षेत्रों में से 10 जगहों पर वो ही पुरानी सरकार रीइलेक्ट हो गई। This data could surprise a lot of people because when it comes to politics, people think probably women would not be interested in politics. पहले कहां औरतें अपना चूल्हा चौका छोड़कर बाहर निकलती थी, घर बार बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि आगे आकर चुनाव में हिस्सा ले। इसलिए महिलाओं को राजनीति को लेकर हमेशा कहा जाता था कि they are like less engaging. उनको कभी प्रचार प्रसार करते हुए नहीं देखा गया, कभी वो पब्लिक मीटिंग्स का हिस्सा नहीं रही, ना ही उन्होंने कभी राजनीतिक प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। लेकिन ये इतना बदलाव आखिर आया कहां से? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। बीते सालों में एक्चुअली पाया गया कि महिलाओं की एजुकेशन को लेकर जो जागरूकता फैली है, इसके साथ ही महिलाओं को मीडिया में काफी एक्सपोजर मिला है, जिसकी वजह से महिलाएं अब देश विदेश की उतनी ही जानकारी रखती है जितने की पुरुष। यही नहीं, साल 2009 में ECI inaugurated the systematic voters education and electoral participation program to increase awareness. और उसी के बाद से भारत में महिलाओं में अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करने की हिम्मत जागी है। सिर्फ यही नहीं, इस बीच सरकार ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई नई स्कीम्स चलाई हैं, उससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। जैसे कि MP में BJP की तरफ से चलाई गई लाडली बहना की स्कीम, जिसमे हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले गए। इसी कड़ी में एक और स्कीम थी जो कि कही गई उज्ज्वला योजना, जिसके जरिए महिलाओं को सब्सिडाइज्ड रेट पर गैस सिलेंडर दिए गए। फिर एक और स्कीम चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें मोदी जी ने लड़कियों को पढ़ाने पर जोर दिया। यही नहीं, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला जैसे राज्यों में सरकारी बसों में महिलाओं का सफर फ्री कर दिया गया है। बंगाल में तो लड़कियों के लिए साइकिल स्कीम तक चल रही है। सिर्फ यही स्कीम्स नहीं, सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान भी किए हैं कि आजकल महिलाओं को अपने लिए वक्त मिल रहा है, जिससे वो आगे बढ़ सकती हैं और खाली वक्त में चूल्हा चौका के अलावा बाकी काम भी कर सकती हैं। जैसे कि हर घर जल योजना, जिसमें महिलाओं को मीलों दूर पैदल चलकर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हर परिवार के घर में पानी का नल लगाया गया, ताकि औरतें आसानी से और कम समय में घर का काम कर सके और खाली समय में अपने उत्थान के लिए काम कर पाए। वोकल फॉर लोकल का नारा भी इसलिए दिया गया था ताकि महिलाएं अपना स्टार्टअप कर सके और देश के साथ साथ
अपने नाम का भी परचम लहरा सके। तो दोस्तों ये सारी वो स्कीम्स है जिन्होंने महिलाओं को अपनी एक अलग पहचान दी है। यही वजह है कि महिलाएं अब अपने प्रति जागरूक हो चुकी हैं और जागरूक महिलाएं अब घर से निकलकर उस सरकार को वोट भी कर रही हैं जिन्होंने उनके लिए ये सब किया। इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का भी रहा है जिसने हर माध्यम से महिलाओं के पास वो सब इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जिनसे अब तक महिलाएं वंचित थी। अब एक और बात ये भी सामने आई कि विमेन वोटर्स तो बढ़ गए लेकिन उस हिसाब से उतनी महिलाएं पावर में नहीं है। अब भी देखा जाए तो ओनली 15 ऑफ द 17 लोकसभा टोटल मेंबर्स आर विमेन। इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द एवरेज इज जस्ट 9। लेकिन अब ये भी बदलने वाला है। साल 2023 के सितंबर में पार्लियामेंट पास अ विमेन रिजर्वेशन बिल दैट मैंडेट्स जेंडर कोटास इन स्टेट्स एंड नेशनल असेंबलीज। बिल इंप्लीमेंट होते ही महिलाओं के लिए एक तिहाई लेजिस्लेटिव सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। पर क्या आपको ये पता है कि साल 1996 से 2019 के बीच केरला और कर्नाटक में हर बार 100 में से 5 महिला कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की थी। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में जीत का आंकड़ा 20 से ज्यादा रहा है। वहीं गुजरात में ये आंकड़ा 18 था और राजस्थान में 12। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं ने जब अपने कदम बढ़ाए तो संसद तक उसकी गूंज सुनाई दी है भाई। और ये फैक्ट है कि जितनी तेजी से महिलाएं संसद का रुख करेंगी उतनी ही तेजी के साथ महिला वोटर्स भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए आगे आएंगी, क्योंकि नारी को सशक्त करने से ही भारत पुनः विश्व गुरु बनने का अपना संकल्प पूरा करेगा। दोस्तों एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, विमेन वेदर सटली और वोकिफेरसली हैव ऑलवेज बीन अ ट्रेमेंडस पावर इन द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अप टू द विमेन। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आपसे लेते हैं विदा। बाकी कोई और सजेशन हो तो हमें जरूर बताइएगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।